नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम गूगल SERP स्निपेट टूल्स देखने वाले हैं। अब ये जो टूल है सारे ही ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जिनकी वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर होस्टेड है उनके लिए आज के ये टूल्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में हमें योस्ट SEO जैसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके हम हमारी पोस्ट का स्निपेट प्रीव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं SERP स्निपेट होता क्या है। SERP मतलब सर्च इंजिन रिजल्ट पेजेस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही आप गूगल में कुछ यहाँ पे टर्म सर्च करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट शो करवाता है, जैसे कि ये जो पहला रिजल्ट है इसका सबसे पहले यहाँ पे आपको URL दिखाई दे रहा है, उसके बाद उस पोस्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसका कुछ दो लाइन में डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ है यहाँ पे इसे हम कहते हैं स्निपेट। तो गूगल में आपकी जो पोस्ट है उसका स्निपेट कैसा दिखेगा ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि दो टूल्स देखने वाले। दूसरा जो टूल है वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेटिकली फेच करने के लिए चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले ये जो टूल है हमारा पहला, जिसका नाम है SEOmofo, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो URL दिखाई दे रहा है, तो आपका जो भी पोस्ट होगा उसका URL आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी पोस्ट का टाइटल आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, या फिर आप मैन्युअली टाइप करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है उसका पहला दो तीन लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो स्निपेट दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके वो जो पोस्ट है गूगल में उसका स्निपेट कैसे दिखेगा। सबसे पहले आपका URL यहाँ पे आ गया, उसके बाद उस पोस्ट का टाइटल और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है अगर मैं और यहाँ पे टाइप कर लूँ तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्निपेट टूल है ये आपके आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। कंपलसरी नहीं है कि आपको उसके नीचे ही आपका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेकिन ये जो है पिक्सल बेस के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया है, लेकिन गूगल सर्च में आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेड आपके जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाई दे रहा है, दो लाइन का ही डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है पिक्सल बेस के हिसाब से काम करता है गूगल, तो इस टूल में आपको वो भी शो कर देगा कि कितना आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना है। और आपकी जो मेन कीवर्ड स्टफिंग है वो आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका SEO अच्छा हो जाए उस पोस्ट का। अब यहाँ पे आपको ये जो है रिच स्निपेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ थीम्स में आपको ऐसे टूल्स प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे कि आप जो है यूज़र से रेटिंग ले सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट बेस अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें ये जो रेटिंग आपको दिखाई दे रहा है वो दिख जाएगा और डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इन वेबसाइट का यहाँ पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन से पहले आपको डेट दिख रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल में आपका जो पोस्ट है उसका स्निपेट यहाँ पे कैसे दिखेगा। और आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश करने से पहले मैन्युअली भी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं गूगल में आपका जो सर्च रिजल्ट है वो कैसा दिखने वाला है। इसी आर्टिकल पे आप थोड़ा, यानी कि इसी पेज पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो पिक्सल बेस्ड टूल दिखाई दे रहा है इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद न्यू टैब में एक दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टूल जो है मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा, इसमें आपको मैन्युअली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो URL है आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इस फेच बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये जो उसका टाइटल है, URL है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, पूरा ही चीज़ यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेगा, यानी कि फेच कर लेगा आपका जो भी आर्टिकल रहेगा इस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, रिच स्निपेट और डेट यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं ब्लॉगर का यहाँ पे ये कैसे फेच करेगा आपका जो भी पोस्ट होगा उसका डेटा। अब ये जो ब्लॉगर में वेबसाइट है इसका मैं URL यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये पुराना URL हटा के अब इस नए URL को हम फेच कर लेते हैं जो कि हमारा ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट लिखा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं उसका भी डेटा इसने यहाँ पे फेच कर लिया है। तो जो भी आप टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं या भी जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं, तो जिन वेबसाइट्स का रिजल्ट यहाँ पे रैंक कर रहा है उनके हिसाब से आप जो है अपना टाइटल या और डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है रैंक रिजल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा और SEO भी आप अच्छे तरीके से आपकी जो भी पोस्ट है उसका कर पाएंगे। मैन्युअली भी आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं आपका जो टाइटल रहेगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो गूगल में, यानी कि गूगल सर्च करने के बाद
जो स्निपेट है उसमें कैसा दिखने वाला है। बाकी जो रिजल्ट यहाँ पे रैंक करे उनको भी आप यहाँ पे एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इमेज भी सेव कर सकते हैं इस तरीके से। कहीं पे अगर आपको ये इमेज जो है शेयर करनी होगी, किसी आर्टिकल में डालनी होगी या फिर सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना होगा, शेयर बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो यूआरएल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इस कॉपी पेस्ट बटन पे क्लिक करके आप वो जो यूआरएल है वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे दो टूल जिसमें आप जो है आपकी पोस्ट का स्निपेट प्रीव्यू देख सकते थे और उस हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपका जो भी स्निपेट रहेगा, जिससे कि गूगल में आपका रैंक रिजल्ट बढ़ जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी जो स्निपेट है उसमें चेंज कर सकते हैं। स्निपेट यानी कि आपका जो पोस्ट है उसका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका ये जो पोस्ट है वो जल्दी यहाँ पे रैंक हो पाए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।